नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ा 20 लाख के करीब पहुंच गया है। वहीं लोगों को राहत के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कोरोना संकट के कारण देश में लॉकडाउन लागू होने के साथ ही लोन मॉरेटोरियम चुकाने पर भी राहत दी गई थी। मार्च से लेकर मई तक के लिए पहले स्लॉट में राहत दी गई थी, वहीं जून से लेकर अगस्त तक के लिए दूसरे स्लॉट में राहत दी गई है। लेकिन इस राहत पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने जताया है और कहा है कि बैंकों को मॉरेटोरियम की सुविधा तुरंत खत्म कर देनी चाहिए। उन्होंने आंध्र प्रदेश के माइक्रो फाइनेंस की याद दिलाते हुए कहा कि अगर बैंक ये सुविधा नहीं बंद करते तो कुछ दिनों में फिर उसी तरह का संकट पैदा हो सकता है। रघुराम राजन ने कहा कि एक बार अगर आप लोगों को ये कहते हैं कि ईएमआई चुकाने की जरूरत नहीं है तो उनमें दोबारा पेमेंट हैबिट शुरू करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बचत नहीं करते हैं। उनके पास आगे पेमेंट करने के लिए कोई फंड नहीं होता है। इससे पहले एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने भी कहा था कि आरबीआई को मॉरेटोरियम और बढ़ाने का फैसला नहीं करना चाहिए। पारेख ने आरबीआई से निवेदन किया था कि वो मॉरेटोरियम की सुविधा को और ना बढ़ाएं। फिलहाल 31 अगस्त तक मॉरेटोरियम लागू है। मॉरेटोरियम की वजह से बैंकों का एनपीए बढ़ने की चिंता पर रघुराम राजन ने कहा कि कई बार आप अपने लोन और लॉस राइट डाउन यानी बैलेंस शीट से हटकर मॉरेटोरियम की वजह से बैंकों का एनपीए बढ़ने की चिंता पर रघुराम राजन ने कहा कि कई बार आप अपने लोन और लॉस राइट डाउन यानी बैलेंस शीट से हटाकर करके ज्यादा रिकवरी दिखा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले सरकारी बैंकों के लिए ये ज्यादा मुश्किल बन सकता है, क्योंकि उन्हें लोन राइट डाउन करने से पहले कई इंक्वायरी से गुजरना पड़ता है। मॉरेटोरियम की सुविधा फिलहाल 31 अगस्त तक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।